और गीत का संगीत ऐसा गाना हो जाए जो हीरो हीरोइन के टाइप का गाना हो, या आज गायक गायिका बनी। अभी बैक पिछला पिक्चर में हीरो हुए जो हीरोइन लेके जाए मैं गाना के ले रहे हैं, जना मैं प्रमोद जी का उनका जी का भी गाना ओकरा में रहे, डुएट सॉन्ग रहे। कौन रहे? मिर्जापुर के गुलबापा। हाँ तो भैया हमारे लिखी है हमारे जो याद हम गावत हैं अपना से। वो फिल्म में भैया हम गवले बने को बड़ा बढ़िया मुन्ना भैया के गीत लिखल बा। हर किमिनी एस्कॉर्ट पहन के घूमा तारी टाउन केस ब्राउन कई के हो। ममता जी क्या बात कर पर गौर कर। किमिनी एस्कॉर्ट पहन के घूमा तारी टाउन केस ब्राउन कई के हो, केस ब्राउन कई के हो कि पहिरे जींस कमर के डाउन केस ब्राउन कई के हो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया हुआ देने के आप दे जवाब कुछ वो बना के बोल दी। अरे क्या बोल रहा है फाड़ दी तेज को सम्राग्री वाली सम्राग्री। अरे देखिए अभी तो इसका जवाब तो भाई ये झाड़ू पोछा ही वाला आएगा कि दहेज देके किल्ले बानी तुम्हारा कैसा जाना मैं। और भी कोनो हो सकेला। अच्छा कहा गए ये कोई बताइए ना कुछ या अब आप ही बताओ। याद दिलाइए सारा लोड मेरे ऊपर। शंकर भगवान आप ही हैं लोड कौन लेगा। हे दरोगा जी हे दरोगा जी लिखी लिखी ना रिपोर्ट सही देले हमके चोट। हे दरोगा जी हे दरोगा जी लिखी लिखी ना रिपोर्ट सही देले हमके चोट। हे दरोगा जी हे दरोगा जी। थैंक यू रत्न जी का कहते हैं आपकी फिल्म का चर्चा हो रहा था जी फिल्म चंडाल चंडाल चौकड़ी फिल्म के मुहूर्त पे आपकी फिल्म का चर्चा हो रहा है हीरो वही जो हीरोइन लेके अब चर्चा का विषय इसलिए है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हर जगह कहीं ना कहीं अपने कम्युनिटी है कुछ ग्रुप है और मुझे खुशी हो रही कि ये सेकंड टाइम में वही ग्रुप काम कर रहा है जो ग्रुप हमारे साथ था। क्या बात है। उसमें ममता जी भी हैं प्रमोद जी भी हैं मुन्ना जी भी हैं और मेरे हिसाब से आप लोग सारे लोग जितने भी यहाँ पे टेक्नीशियन हैं मीडिया वाले हैं सारे लोग मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि ये प्रमोद की दूसरी फिल्म है और काफ़ी अच्छे पैमाने पर मेरे हिसाब से लॉन्च करने जा रहे हैं राजू गोयल जी। धन्यवाद देना चाहूँगा राजू गोयल जी को कि उन्होंने एक ऐसे आर्टिस्ट को चुना है क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि हर आदमी एक बड़े स्टार को ही पकड़ता नए के लिए हिम्मत नहीं कर पाता एक जिगर होता है जो नए आर्टिस्ट को कोई मौका देता है। तो राजू जी ने ऐसा बहुत अच्छा काम किया है और मैं धन्यवाद देना चाहूँ पूरी टीम को। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हो और हम लोग इसके लिए सब मिलके दुआएं करेंगे। सर फिल्म का नाम कुछ अलग है भोजपुरी जगत में ऐसा नाम नहीं सुनने को मिला। देखिए कुछ न कुछ अलग ही करना चाहिए क्योंकि कॉमन चीजें बहुत होती है। जब मैंने अपनी फिल्म का नाम रखा था हीरो वही जो हीरोइन लेके जाए तो लोगों ने कहा ये क्या है। तो कॉमन सी बात है इंडस्ट्री की जितने भी फिल्में बनती है उसमें मैक्सिमम हीरोइन को हीरो ही लेके जाता है लास्ट में ही होता है। तो लोग बोलते मैंने पहली फिल्म जब मेरी हुई थी तो मैंने इंडियन मदर रखा था रियल इंडियन मदर। लोगों ने कहा सर भोजपुरी बना रहे हैं और आप इंग्लिश रख रहे हैं। तो बात इंग्लिश और हिंदी की नहीं बात है लोगों के जहन में क्या होता है। चंदा चौकड़ी एक ऐसा नाम है हर बंदा सोचेगा कि फिल्म में क्या है। कहानी को लेकर जहन में बताया जा सकता है कि भाई लोगों को पसंद आनी चाहिए पहली बात तो कहानी। कहानी के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता लेकिन थोड़ा मुझे क्यों मिला है कि ये कहीं ना कहीं अताउल्लाह खान की जिंदगी के ऊपर कुछ न कुछ फिल्म बन रही है और रियल में उनकी जिंदगी के ऊपर अगर बन रही तो बहुत अच्छी फिल्म होगी। ममता जी बात करें चंडाल चौकड़ी जो है तो आप इसमें गाना गा रहे हैं तो चंडाल चौकड़ी क्या कहना चाहेंगी क्योंकि ये अक्सर कहीं न कहीं गांव देहात में सुने रहे कि चंडाल चौकड़ी बड़ा परेशान कर लेगा। देखिए ये तो बहुत आप लोगों के लिए अभी ये एक सरप्राइज ही है कि चंडाल चौकड़ी में क्या होने वाला है। ये तो दर्शक देखकर बताएगी कि दर्शक अपने प्यार से बताएगी कि ये फिल्म कितना बड़ा हिट होने वाला है ना। और ये सब कुछ आपके लिए सरप्राइज है हमारी पूरी मतलब चंडाल चौकड़ी फिल्म की ओर से। तो बस
आप देखते रहिए और वेट कीजिए। जैसा कि नाम है चंडाल चौकड़ी, आपका लगता है कि बच्चे इस नाम से डरेंगे? नहीं नहीं, चंडाल चौकड़ी जब हम छोटे थे तो मैं बताऊं, चंडाल चौकड़ी करके एक हम खेल भी खेला करते थे, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे तो नहीं डरेंगे, बच्चे बिल्कुल एकदम निर्भय होकर इस फिल्म को देखेंगे। बच्चे क्या, बच्चे बूढ़े जवान सब लोग देखेंगे। मैं काट रहा हूँ, सॉरी, चंडाल चौकड़ी मतलब भूत की फिल्म नहीं, हॉरर फिल्म नहीं है। चंडाल मतलब हरामी टाइप का आदमी जो होता है, एकदम जिसका कैरेक्टर होता है एकदम, मतलब लोगों को डिस्टर्ब करना, चंडाल का मतलब वो होता है। मतलब मेरे हिसाब से सबसे चंडाल मैं नाम जो इसको मतलब एक टीम को बना, सबसे बड़े चंडाल होते हैं, लेकिन अच्छा काम। फिल्म के मेन कैरेक्टर ही चंडाल हैं और उनके ऊपर ये फिल्म मतलब दर्शाया जाने वाला है। ममता जी, तो प्लीज आप वेट कीजिए। ममता जी, हमके देख के सबके होश उड़ गए बा। हर की तो हर उम्र बाट कम लेके घूमा तारू बम करबू कही राइट गोरी का बात कि छुअला प लाग ब्लास्ट हो जाई बनल तू बारू कैसे टाइट गोरी। मुन्ना भैया का चलते 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 ये बात है कि पिक्चर अपन चंडाल चौकड़ी और जितना प्यार दुलार सब दिए पिक्चर के, वैसे ज्यादा काफी सुनने की इसमें पिक्चर का काफी कुछ भार आपके कंधे पे रखा गया है, तो गीत संगीतकार के साथ साथ कंधे पे भी एक भार नहीं, ऐसा क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बस गीत संगीत का ही भार है और ज्यादा कुछ भार नहीं है। शूटिंग में भी आप रहने वाले हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे सुना कि आप एक्टिंग करने वाले हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा एक्टिंग और दुबे जी एक बार पहली दुबे जी पहली बार इस फिल्म में एक्टिंग करने वाले हैं, सो आप जरूर देखिएगा इस फिल्म को, और ये एक बहुत बड़ा कॉमेडी करने वाले हैं, तो प्लीज आप जरूर देखिएगा, ये आपका मेरी ओर से रिक्वेस्ट है। क्या प्रमुख धैर्यता कह चाह मुन्ना भैया बारे में? भैया भैया बहुत पहुंचल आदमी बड़ा, नहीं बहुत बिहार अपने भरे शुरू से लेकर आज तक भैया के स्ट्रगल बहुत कहले बड़ा, बहुत दिनाम बा भैया के भोजपुरी जगत में। अब तो भैया फिल्म के खुद म्यूजिक करता नहीं, यहाँ के म्यूजिक डायरेक्टर गीतकार से म्यूजिक डायरेक्टर यहाँ के हो गए, नहीं गीत भी लिखा था, नहीं बहुत बढ़िया लगे भैया के गीत गाई लेता, अच्छा लगे। दर्शक लोग कहा गया जब अपन पिक्चर के लेके आज मुहूर्त दर्शक लोग कहते अब कि हम बढ़िया से बढ़िया काम करी हमने के ग्रुप मिल के, ममता जी बानी, मुन्ना भैया बानी और सारे आर्टिस्ट लोग बा। फिल्म के नाम बा चंडाल चौकड़ी, में चंडाल हरकत करेगा बा, वही चंडाल फिल्म के नाम बता जी। ममता जी नाम भी अपने आप में बहुत बड़ा हिट है, बताइए फिल्म क्या होगा? जैसे कि मुन्ना जी चंडाल, लोग हम लोग देहात में भोजपुरी में लोग कहते कि ये चंडाल बा। मुन्ना भैया तो प्यारे भैया, मतलब कहे का मतलब कि पूरा फिल्म के यूनिट ही चंडाल चौकड़ी के टीम जब पूरा निकली तो लोग कह के देखा चंडाल चौकड़ी लोग निकल गई। इधर से भी चंडाल चलिए